पहला प्रश्न है, ऑडियो सुनकर ध्यान करने में और बिना ऑडियो सुने ध्यान करने में क्या अंतर है? देखिए, ध्यान की परिभाषा आगे बताएंगे। वास्तविक ध्यान तो तब होगा जब आपको शरीर का कुछ पता ना रहे, बुद्धि कोई काम ना करे, मन से सोचा ना जाए। जब तक आप सोच रहे हैं एक थम्बक की हार छोड़ी, एक गली को पार किया, ये भी मन बुद्धि की दौड़ है। केवल आपके जीव को उस मार्ग पर चलने के लिए सिखाया जा रहा है, क्योंकि इसके बिना किसी को पता नहीं होता। जो ऑडियो के सुनने समय जो ध्यान होता है, वो ध्यान का एक प्रतिबिंब कह सकते हैं, वास्तविक ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको पता रहता है कि आवाज आ रही है। ध्यान की परिभाषा क्या है? ध्यानम निर्विश्य मनः, जिसमें मन में किसी प्रकार की वृत्ति न रह जाए, कोई संकल्प विकल्प न उठे, केवल लक्ष्य ही भाषित होता रहे। और उसका आभास किसको हो? आपकी चेतना उसको ग्रहण करे, मन के द्वारा नहीं। आपने रट दिया कि जैसे अभी आप स्मरण कर रहे थे, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, तो आप मन में अभी भाव ले रहे हैं कि राज्य का मुखारविंद ऐसा है, ये अभी धारणा है, ध्यान नहीं है। तो आप जिस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं ऑडियो के माध्यम से, अभी आपको ध्यान में चलना, धारणा में चलना सिखाया जा रहा है, वो अभी धारणा है। और जब ऑडियो हटा दिया जाए, आपके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के सहारे आप धारणा करने का प्रयास अभी कर रहे हैं। जो जैसा है वैसा ही दिखने लगे, वो वास्तविक ध्यान है। इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब भी बिंब बदल जाता है, में परिवर्तित हो जाता है। जब यह अभ्यास चलता रहेगा, जिस क्षण आपका मन पूरी तरह से एकाग्र होगा, हृदय में प्रेम का स्फुरण होगा, उसी क्षण किसी भी समय दर्शन हो सकता है और ध्यान में आप पहुंच सकते हैं, और ध्यान का गहरा रूप समाधि है। ध्यान में शरीर को स्थिर करने का कोई सरल उपाय बताएं। यह भी प्रश्नोत्तरी के बाद आज वही विषय रहेगा। मैंने निजानंद योग को 3 भागों में बांटा है। पहला है आसनस्थ, दूसरा है लक्ष्यस्थ और तीसरा है आत्मस्थ। इन्हीं 3 विभागों में, जैसे योग दर्शन को 8 विभाग किए गए हैं, मैंने केवल 3 विभागों में बांटा है, और तीनों की व्याख्या विस्तार से करेंगे, उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कभी कभी ध्यान के समय सारे शरीर में झपट्टा अथवा कंपन सा होता है, क्या ये सही है? होता क्या है, आप लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, बबिता बहन जी करवाती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसलिए कराया जाता है कि समस्त शरीर की समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाए। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, प्रश्नोपनिषद में इसका व्याख्यान किया गया है। 72,000 में 101 प्रधान है, 101 में 3 प्रधान है, और 3 में 1 सुषुम्ना नाड़ी सबसे प्रधान मानी जाती है। सुषुम्ना का अर्थ क्या है? मन को सुव्यवस्थित रखने वाली। तो जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो इसमें नाड़ियों का शोधन होता है। होता क्या है कि गृहस्थ जीवन का खान पान अलग होता है, योगी का खान पान अलग होता है। जो अन्य गृहस्थी खाता है, योगी भी उसी को खाता है, लेकिन दिनचर्या अलग अलग हो जाती है। गृहस्थी को, जैसे खेतों में काम करने वाला व्यक्ति है, उसको फावड़ा चलाना है, शारीरिक काम करना है, वो योगी की तरह रहेगा तो उसके शरीर रोगी बन जाएगा। और योगी यदि फावड़ा चलाने वाले की तरह खाएगा, वैसा रहेगा, तो उसका शरीर रोगी बन जाएगा। दोनों की स्थिति अलग अलग है। अब जैसे मान लीजिए कि जो खेतों में काम करेगा, उसको ऊर्जा चाहिए, तो क्या करेगा? 6-6 रोटियां खाएगा, उसको मक्खन भी चाहिए, धनवान है तो काफ़ी कुछ करेगा।
योगी को क्या करना होता है कि नाड़ियों को शुद्ध रखना होता है। नाड़ियों को शुद्ध रखने के उसको प्राणायाम करेगा, अल्प आहार करेगा, कोष्ठबद्धता जिसको उर्दू में कब्जियत कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन अंग्रेजी में कहते हैं, यदि वह रहती है तो नाड़ियों में विकार बना रहता है। ये मल अवरोध के होने से कफ वात पित्त का संतुलन भंग होता है, वात को पित्त होती है तो क्या होगा, ये भी अशुद्ध अवस्था है। इसलिए कपालभाति करके नाड़ी शोधन प्राणायाम करके नाड़ी को शुद्ध किया जाता है। जिनका ये शुद्ध नहीं होता, जब आप सिद्ध आसन में बैठेंगे तो प्राणवायु सारे एक 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 जगह सुषुम्ना में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, जहाँ अवरोध होगा वहाँ दर्द भी होगा और झटका भी लगेगा। और जिनकी आसन सिद्धि हो जाती है, हो सकता है कि उनका शरीर कई फुट जमीन से ऊपर भी उठ जाए, तो ये झटके आते हैं, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नाड़ियों की अशुद्धि के कारण होते हैं। आप अपने आहार को सात्विक बनाए रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ध्यान करते समय ऑडियो की आवाज़ कभी कभी सुनती है और कभी एकदम से चली जाती है, फिर एकदम से श्यामा जी का श्रृंगार सुनने लग जाता है। आप जिनको चितवनी आ गई है वे ऑडियो पर आश्रित ना रहें। ये तो सुंदर साथ के एक मार्गदर्शन के लिए किया जाता है कि यहाँ से आप सीख जाएं। और जब आपको अभ्यास हो जाता है तो घर जाकर के ऑडियो मत चलाइए। जो नए नए सुंदर साथ हैं वो मोबाइल से ईयरफोन लगा करके कान में सुन लेते हैं या मोबाइल से बजा कर, कि उनको मार्गदर्शन मिलता रहे कि कैसे काल माया के ब्रह्मांड से हमें योग माया को पार करते हुए परम धाम में जाना है, राजी श्यामा जी का श्रृंगार है कैसा है। यदि 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में आपका पूरा अभ्यास हो जाए तो कभी भी ऑडियो का प्रयोग न कीजिए। आपको तो ये भी आभास नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ बैठे हैं आपका हाथ पैर हिल रहा है। जिस क्षण आपको ऐसा लगेगा कि मैं हूँ ही नहीं, आपको किस रूप में आना है, आप इस शरीर भाव से परे होकर, जीव भाव से परे होकर केवल परात्म के भाव में रहिए कि आपका स्वरूप हुआ वो श्यामा जी जैसा है। आप किस कमरे में बैठे हैं, किस नगर या गांव में बैठे हैं, आपका क्या नाम है, इन सबको भुला दीजिए। जब तक ये आपके मस्तिष्क में बने रहेंगे तब तक आपकी चितवनी सही नहीं मानी जाएगी। प्रेममयी चितवनी क्या है, इसका उत्तर आगे आएगा, क्योंकि प्रसंग के विपरीत हो जाता है, मैं इसका उत्तर दूंगा बाद में। शरीर और संसार की आसक्ति को त्यागने के लिए क्या करें। देखिए, शरीर में तो हमारा जीव है, संसार में हमारा शरीर है। किसी चीज को त्यागना नहीं पड़ता, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है आपके अंदर तो स्वतः ही अपने आप हट जाता है। ज्ञान दो तरह से होता है, एक तो पढ़ा हुआ बौद्धिक ज्ञान, जैसे कोई उपदेशता है दूसरों को उपदेश देगा कि सत्य बोलो, लेकिन उसे सत्य स्वयं नहीं बोला जाता है। तो पढ़ी हुई बात को कह देना वो वास्तविक ज्ञानी का लक्षण नहीं है। उस ज्ञान को आचरण में जो उतारा जाता है तो कहा जाता है कि ये वास्तविक ज्ञानी है। दूसरा जो ज्ञान होता है वो समाधिस्थ अवस्था में होता है, रितंबरा प्रज्ञा से जो समाधि की प्राप्ति होती है, निर्विश समाधि की प्राप्ति होती है, उसमें चेतना में जो ज्ञान आता है उसको वास्तविक ज्ञान कहा जाता है। इसलिए जब व्यक्ति राज्य के प्रेम की तरफ चल पड़ता है, सारे रोगों का एक ही क्या इलाज है, आप शुद्ध समर्पण के साथ राज्य के प्रेम मार्ग पर चल दीजिए। देखिए, मनुष्य एक सीमित शक्ति रखता है, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी भक्ति करने वाला आए, यदि उसके अंदर अहंकार है कि मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतनी साधना कर लिया हूँ, तो अहंकार जहाँ जहाँ चलता रहेगा आसक्ति उसका पीछा करती रहेगी। आप शरीर हैं तो आसक्ति अवश्य होगी। आसक्ति का परित्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मभाव में विचरण करना पड़ेगा। लेकिन केवल ज्ञान से ही नहीं, बौद्धिक ज्ञान से नहीं, अनुभूत ज्ञान जो सर्वोपरि होता है वही आसक्ति के बंधन से मुक्त कर सकता है। क्या द्रोणाचार्य को पता नहीं था, द्रोणाचार्य जी
ने ब्रह्मास्त्र तक उठा लिया था, देवताओं ने मना किया कि आप इसका प्रयोग न कीजिए। दूसरे राजकुमारों का वो वध कर रहे थे और जब उनके बेटे की झूठी सूचना दी गई कि अश्वत्थामा मरण नरो व कुंजरो, तो उन्होंने सोचा कि मैं जी कर क्या करूँगा, यह भी तो द्रोणाचार्य जैसे आचार्य को सोचना चाहिए कि मुझे जितना अपना प्रिय पुत्र है उतना ही प्रिय औरों के लिए भी है। भीष्म, ये देखिए धृतराष्ट्र को देखिए, महाभारत की जड़ में कौन है? केवल धृतराष्ट्र। उसकी तृष्णा है कि यदि मैं अंधा नहीं होता तो मैं राजा होता और मेरे बाद मेरे बेटे राजा होते। पांडु के मरने के पश्चात धृतराष्ट्र के मन की जो तृष्णा है, इसी ने महाभारत के युद्ध का इतिहास रचा। तो पांचों पांडव वन में भटक रहे हैं, धृतराष्ट्र को कोई कष्ट नहीं है। क्यों? उसको लग रहा है अधर्म से ही सही, मेरे बेटे तो सुख से रह रहे हैं। इसको कहते हैं आसक्ति। जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम मार्ग का अनुसरण करता है, केवल उसी से आसक्ति का बंधन छूट सकता है, अन्यथा मैं और मेरे का बंधन छूटना संसार में कठिन है। चितवनी में कई बार धनी की शोभा नहीं आती, ऐसे में क्या करें? ये मैंने बताया था आपको, जैसे दर्पण है आपके सामने, मैं दर्पण कर दूं, आप ऐसे ऐसे हिलाते रहूं, तो क्या होगा? जितनी जल्दी जल्दी हिलाऊंगा आपको थोड़ा दिखेगा, थोड़ा धीरे धीरे हिलाऊंगा तो ज़्यादा दिखने लगेगा, और बिल्कुल शांत कर दूं तो आप चेहरा दर्पण देख सकते हैं। तो राज्य की शोभा तभी आपको आएगी जब आपका चित्त पूरी तरह से शांत होगा, रजोगुण और तमोगुण के विकारों से पूर्णतया मुक्त होगा। देखिए, जो व्यक्ति तमोगुणी होता है उसमें तो ज्ञान और भक्ति की बात आती ही नहीं। तमोगुण का लक्षण क्या है? प्रमाद आलस्य निद्रा भी तक निमग्नात् कौन्तेय। आलस्य प्रमाद आता है तो समझ लीजिए तमोगुण का लक्षण है। आप गरिष्ठ भोजन जितना करेंगे, भोजन की मात्रा जितना बढ़ाएंगे, तमोगुण की मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे आप चौथाई चम्मच घी खाते हैं, उस दिन आप एक चम्मच घी खा करके देखिए। घी तामसिक नहीं है, घी सात्विक है, लेकिन मात्रा से कोई भी वस्तु अधिक हो जाएगी तो तमोगुण का परिणाम देगी। आप एक गिलास दूध पीते हैं, तीन गिलास गरम गरम दूध पी करके देखिए, मात्रा अधिक होगी। और अत्यधिक उष्ण पदार्थ रजोगुणी होता है, वो तमोगुण का रूप लेता है। सुंदर साथ को देखिए, चाय पर केवल प्रतिबंध लगा दिया गया, वो भी ब्लैक टी पर, कितने सुंदर साथ ने आना बंद कर दिया। सोचते हैं कि हम ये तामसिक आहार थोड़े करते हैं। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष रुक्ष विदाहिना आहरा राजेश दुख सुखा भयाप्रदा। कड़वा, कटु अम्ल बहुत खट्टा, तीखे मिर्च वगैरह, रुक्ष जो रुखे लगते हो, विदाइना जिसको खाने से जलन हो, बहुत गरम मसाले, लाल मिर्ची, तो क्या होता है? ये रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। विक्त आहारा राजेश्वर, रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं और इससे क्या होता है? दुख शोक और भय देने वाले होते हैं। रजोगुणी भोजन मात्रा में थोड़ा सा और बढ़ जाता है तो तामसिक का रूप ले लेता है। सात्विक भोजन भी मात्रा से अधिक हो जाएगा तो तमोगुण की वृद्धि उसमें शुरू हो जाती है। इसलिए एक चीज याद रख लीजिए, जो योगी होते हैं वो पौन पेट भोजन करते हैं, आधा भोजन ठोस पदार्थों से भरते हैं, आधा जल से, जल छाछ वगैरह से भरते हैं, और शेष जो चौथाई हिस्सा होता है वे वायु के लिए छोड़ते हैं। ये एक आदर्श भोजन कहा जाता है योगी का। जो परम योगी होते हैं, प्रथम श्रेणी के योगी होते हैं, वो आधा पेट भोजन करते हैं। पौन पेट योगी, पूरा पेट भोगी, और आधा पेट परम योगी, केवल परमहंसों के लिए संभव है। लेकिन खेतों में जो काम करता है उसके लिए संभव नहीं है कि वो आधा पेट से गुजारा करेगा, उसको तो रोग हो जाएगा। जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, गृहस्थ जीवन में हैं, वे तीनों वक्त उनके लिए भोजन करना आवश्यक है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रहने के बाद
ध्यान करते हैं, एक बार भी बढ़िया से ध्यान कर ले, सवेरे एक घंटा ध्यान कर लिया, रात को सोते समय 15-20 मिनट का ध्यान कर लिया, तो उनका गृहस्थ जीवन सार्थक हो जाता है। जब वो वानप्रस्थ की अवस्था में आएंगे तो अधिक से अधिक ध्यान की प्रक्रिया बढ़ा देंगे। लेकिन जो महान योगी बनना चाहते हैं, 10 घंटे से 12 घंटे प्रतिदिन, 15 घंटे जिनको ध्यान करना है, उनको आधा ही भोजन करना पड़ेगा। यदि वो सोचें कि हम गृहस्थी की तरह खूब तीनों वक्त भोजन करें, यदि तीनों बार भोजन करना है तो भोजन की मात्रा को सूक्ष्म करना पड़ेगा। देखिए, परिस्थिति के अनुसार आहार और विहार दोनों में परिवर्तन बदलना पड़ता है। भोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी पाए, जैसे कोई ऐसी स्थिति पड़ गई, कोई एक महात्मा है बस्ती से, उसको भिक्षा में भोजन करना है, तो तीन बार तो भोजन नहीं करेगा, एक बार भिक्षा में मिलेगा तो एक बार खा लेगा पौन पेट। तो रात्रि का जो उपवास रहता है, उसकी जठराग्नि को प्रदीप्त किए रहता है, वो पाचन में काम आ जाएगा, तो आराम से कर सकता है। लेकिन यदि कोई आश्रम पर रहता है, अपनी व्यवस्था है, तो उसको आहार थोड़ा थोड़ा करके दो बार लेना चाहिए, या तीन बार भी करे तो वो ऊंचे स्तर की साधना कर सकता है, वो 12 घंटे 15 घंटे भी ध्यान कर सकता है। जैसे योगेश्वरानंद जी का, जिन्होंने जीवन चरित्र पढ़ा है, स्वामी विज्ञानानंद जी ने विज्ञान योग, योग विज्ञान किताब लिखी है, उसमें एक स्वामी जी थे, उनका मैं भोजन बताता हूँ। मैं आप लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग भी वैसा करने लगे, घर में काम पड़े तो कह देना कि राजन स्वामी ने कहा था। अरे भाई, परिस्थिति के अनुसार सब परिवर्तन कीजिए। तो अभी पतंजल योग की, जिन्होंने टीका की है पतंजल योग प्रदीप नाम का, उन स्वामी जी का मैं भोजन बताता हूँ। वो क्या भोजन करते थे, सवेरे 2 छुहारे और ब्राह्मी बूटी पिसी हुई, दोपहर को आधा छटांक, ये दोपहर को केवल साग और रात्रि को आधा लीटर दूध। और एक जो गीता स्वामी नाम के एक महात्मा थे, वो जानते हैं क्या करते थे, आधी छटांक गेहूं की दलिया, आधी छटांक चौलाई का साग, और दिन में दो बार दूध की चाय। तीन हुआ तो तीन बार, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके लिया तो उनका, उनके ऊपर भोजन का तामस का कोई असर ही नहीं होगा। और जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती जाएगी, क्योंकि रजोगुण तमोगुण को छोड़कर सतोगुण में प्रवेश होना है, फिर सतोगुण से परे चलकर त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचना है। जब मनुष्य रात्रि को भरपेट भोजन करता है, आजकल की दिनचर्या बिल्कुल उल्टी हो गई है, लोग रात को 8 बजे 9 बजे भोजन करेंगे, 10 बजे भैंस का दूध गरम गरम पिएंगे और 10:30-11 बजे सोएंगे, तो भोजन का तामस और निद्रा का तामस दोनों मिलकर के सवेरे जब उठेंगे तो शरीर अकड़ाया हुआ रहेगा, और ध्यान में भी बैठेंगे तो झपकी लेते फिरेंगे। तो ये प्रक्रिया बंद करनी पड़ेगी। रात्रि का आहार सात्विक होना चाहिए। भैंस का दूध पूर्णतया वर्जित है, क्योंकि भैंस के दूध से तामस पैदा होता है। बहुत गर्म दूध भी यदि बहुत गर्म पीते हैं तो आपको हानिकारक होगा। आजकल के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि पानी भी सीमा से अधिक गर्म हो जाएगा तो कैंसर भी पैदा कर सकता है। जो कड़क चाय पीते हैं, शायद सबको मालूम नहीं है, उसके अंदर की कैफीन घुल घुल करके जितनी बहेगी उतनी ही वो नशीला होता जाएगा और आपके मस्तिष्क को उतना ही डेड करता जाएगा। जो कड़क चाय की गरम गरम बहुत चुस्कियाँ लेते हैं, वो सावधान रहें, वो कैंसर के किसी डॉक्टर से पूछें, वो बताएगा कि ये कितनी हानिकारक है। मैं अशुभ बात नहीं कहना चाहता, इसलिए गीता ने वर्जित किया है। अति उष्ण अतिक्ष, ये सारे रोगी बनाने वाले होते हैं। जो तमोगुणी आहार हैं उसको क्या कहते हैं, यातयामो गतिरसम, जिसका रस जल गया। ये मक्के का जो भुना हुआ भोजन होता है, जिसको आजकल मक्का कहेंगे तो छोटे आदमी बन जाएंगे, इसको पॉपकॉर्न कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं तो उसकी बहुत कीमत बढ़ जाती है। गांव में
भुने हुए मक्के को कोई नहीं पूछता, और शहरों में पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न कह करके सब करोड़पति लोग शौक से खाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। और ध्यान करने वाले को 2 बजे के बाद बिल्कुल भी पॉपकॉर्न छूना नहीं चाहिए, वो रूखा होता है, उसका रस जल गया होता है, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वालों के लिए साधना के लिए विष के समान है। यातयामम गतिरसम पूर्तिम च परयुस्तम सा, बासी हो जूठा हो, उच्चिष्ठम च मध्यमम च भोजनम तामसम प्रियम, सड़ा गला हो ऐसा भोजन तामसिक होता है, जिससे दुर्गंध आ रही हो, बासी हो, जूठा हो। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, इतना चावल लेकर के रख देंगे, आधा खा लेंगे आधा छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर के बाद खाएंगे, वो जूठा होता है। जूठा किसी दूसरे का भी नहीं, अपना भी खाया हुआ छोड़कर कुछ देर के बाद खाते हैं तो वो भी जूठा होता है। इसलिए जूठा भोजन जिससे दुर्गंध आ रही हो, सड़ा गला हो, बासी भोजन हो, कभी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, इससे तामस पैदा होता है। और तमोगुणी व्यक्ति को निद्रा ज़्यादा प्रिय होती है, तमोगुणी व्यक्ति प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता है, ज्ञान के मार्ग पर नहीं चल सकता, और वो ध्यान का अधिकारी नहीं होता। मैंने देखा है जो आश्रमों में रहते हैं उनकी भी दिनचर्या मैंने देखी है। वैष्णवों को जानते हैं, वो प्याज को क्या कहते हैं, राम लड्डू, और नमक को क्या कहते हैं, राम रस। प्याज खाना होगा तो प्याज तो कह नहीं सकते कि राम लड्डू लाओ। मिर्च को क्या कहते हैं, लंका, ये सदुकड़ी भाषा है। जानते हैं कोई भी योगी प्याज नहीं खा सकता, कहेंगे कि मैं क्यों मना करता हूँ। जो ध्यान की गहराइयों में पहुँचेगा उसको पता केवल है कि भोजन का दुष्परिणाम क्या होता है। जिसको मेर सागर का पाठ कर लेना है, आरती पूजा कर लेनी है, परिक्रमा कर लेनी है, वो इन चीज़ों को नहीं जान सकता। वो तो खूब मिर्च मसाला खा करके भी पूजा पाठ कर सकता है, हवन कर सकता है, कोई भी कर्मकांड कर सकता है, उसके लिए ये सब बातें नहीं है। लेकिन जिसको ध्यान करना है, जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है, दीपक जलता है और उसकी लौ यदि सीधी रहती है तो उसकी तरह जैसे दीपक की ज्योति बिना हिले डुले निरंतर जलती रहती है, उसी तरह से आपका मन यदि किसी लक्ष्य पर सुई की नोक पर भी टिक गया तो हिले डुले नहीं, उसको क्या कहते हैं, शुद्ध चित्त, एकाग्रचित मन की वही अवस्था होती है। और यदि वैसी अवस्था बन गई तो समझिए कि अब आप सात्विक भावना में हैं। रजोगुणी व्यक्ति को दिन रात काम की आदत रहती है, उसको कहे कि ध्यान किया, कहेगा कि ये काम है ये काम है, दिन रात वो काम में लगा रहता है, धन कमाने में, ये कमाने में, उसको पता नहीं होता कि ये सब कुछ नश्वर है। इसलिए रजोगुणी व्यक्ति भी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, भक्ति का अधिकारी नहीं होता। रजोगुणी व्यक्ति कर्म कर सकता है, तमोगुणी व्यक्ति, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ रामायण के माध्यम से, कि जब रावण को पता चला कि खर दूषण को राम ने केवल 2 घड़ी मतलब 45 मिनट के अंदर ही 10,000 सेना सहित खर दूषण को मार दिया, तो रावण सोचता है कि खर दूषण मौसम बलवंता, वो तो मेरे समान वीर थे, 2 घड़ी में ही 10,000 सेना सहित जिसने अकेले मार दिया वो कोई व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति, कहता है कि मैं, मेरे से भक्ति तो हो नहीं सकती क्योंकि मैं तो तामसिक प्राणी हूँ, रावण मांस भी खाता था। आजकल रावण की महिमा में बहुत कुछ कहा जाता है, समाज में एक ऐसा वर्ग है जो राम की निंदा करता है और रावण की महिमा गाने पर तुला रहता है कि देखिए रावण सीता को ले गया था तो सीता को स्पर्श भी नहीं किया था, तो कितना अच्छा था, राम ने मार दिया, जातिवाद के नाम पर उसकी माता गाई जाती है। रावण की विवस्था थी ऐसी, रावण ने एक पहले बहुत बड़ा पाप कर दिया था, कुबेर की पुत्रवधू थी रंभा, कुबेर के 2 पुत्र थे नलकुबर और मणिग्रह, आपने कृष्ण अवतार में एक कथा सुनी है कि वो दोनों वृक्ष हो गए थे,
उनकी पत्नी थी रंभा, और रावण ने बलपूर्वक हिमालय जाकर, आपको विदित होगा कि स्वर्ग कहाँ है तो मैं आपको बता दूँ, आपने पुराणों में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा भी इससे अंतर हो रहा हूँ लेकिन मैं ये संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जितने देवी देवता हैं उनके विवाह होते हैं, उनकी संतानें होती हैं, तो इंद्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। 14 मन्वंतर हैं, 14 मन्वंतरों में 14 इंद्र होते हैं, 14 मन होते हैं। जो इस पूरे आर्यावर्त में सबसे अधिक ब्रह्मचारी होता था, योगी विद्वान होता था, वीर होता था, उसको इंद्र का पद दिया जाता था। इसलिए इंद्र को भय लगा रहता था कि कोई भी ऋषि मुनि मेरे से ज़्यादा तपस्वी हो जाएगा तो ये पद उसको मिल जाएगा। तो जो भी ऋषि मुनि ध्यान में अधिक बैठते थे तो किसी न किसी माध्यम से, अप्सराओं के माध्यम से उनका व्रत भंग कर दिया करते थे। देखिए, इंद्र का विवाह किसके साथ होता है? सची के साथ। उनका पुत्र कौन है? जयंत। भगवान शंकर की पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। उनके पुत्र कौन है? गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय क्या है? देवसेना के अध्यक्ष सेनापति हैं। तो उसी तरह से दक्ष प्रजापति हैं, उनके प्रजापति को दक्ष बनाया गया, दक्ष को प्रजापति बनाया गया है, तो उनकी भी 10 कन्याएं हैं, मनु की कन्याएं हैं। तो इनमें आपस में विवाह हुआ करता था। कुबेर जो है देवताओं के धनाध्यक्ष कैसियर कहे जाते थे, और उनके पुत्र हैं, उनकी भी वधुएं होती थी। तो कहने का अर्थ क्या है, एक दैवी सृष्टि जो है सतोगड़ी मानी जाती है। ये सत्यम आचरन्ति ते देवा अनृतम मनुष्य, जो पूर्ण सतोगड़ी होते थे, सत्य का आचरण करते थे, योग में निपुण होते थे, वेदों के विद्वान होते थे, उनको देवता कहा जाता था। जो मनुष्य होते थे वे झूठ बोलते थे, उनमें रजोगुण की प्रवृत्ति होती थी, और जो तमोगुणी होते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे, उनको राक्षस कहा जाता था। रावण विश्राम मुनि का पुत्र था और कुबेर उनके भाई थे। रावण सौतेला भाई था कुबेर का। कुबेर देवताओं के सेनाध्यक्ष धनाध्यक्ष हैं। भगवान शिव ने कुबेर को पुष्पक विमान जो दिया था, रावण बलपूर्वक पुष्पक विमान छीन लेता है और कुबेर पुनः हिमालय में आ जाते हैं। रावण अपने तामसिक दोनों भाई के साथ विभीषण में भक्ति का उदय हो चुका था, तो वो सात्विक और राजसी प्रवृत्ति के थे, लेकिन तमोगुण का अंश उनमें भी था। कुंभकर्ण और रावण ये अपने असुर कोल की वृद्धि में लग गए थे, देवी संस्कृत का विनाश करना चाहते थे। सृष्टि के प्रारंभ से ही देवता और असुरों में संघर्ष होता आ रहा है। सात्विक व्यक्ति में और तामसिक व्यक्ति में कभी भी मेल नहीं हो सकता। जो बीच वाली स्थिति होती है मनुष्य की होती है। आप पूरे भारत में जहाँ भी देखेंगे, जिन जिन प्रांतों में लहसुन प्याज मिर्च ज़्यादा खाई जाती है, वहाँ के लोग रजोगुणी होते हैं। जिन भागों में मांस और शराब का सेवन ज़्यादा होता है, वहाँ के लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। आप केरला में जाइए, हैदराबाद, आंध्रा में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, यहाँ मांस और शराब का सेवन प्रचलन ज़्यादा है। उत्तराखंड में भी मांस और शराब का सेवन ज़्यादा होता है, लेकिन उत्तराखंड की विशेषता क्या है कि जो नहीं करेगा वो बहुत ही सात्विक रहेगा। पूरे मैंने देखा है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ से लेकर मैं असम तक के पर्वतीय भागों में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के जो भी, दार्जिलिंग से लेकर सभी भागों में देखता हूँ, जहाँ जहाँ के लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, उनमें आध्यात्मिक भावना नहीं होती। लेकिन हिमालय में, हिमालय का व्यक्ति एक मांस खाएगा तो उसके बोलने का लहजा बहुत शांति वाला होगा, वो उग्र नहीं होगा। इधर यूपी में कोई बैठकर मांस खाता है तो उसके बोलने का लहजा अलग होता है। तमिलनाडु में जो कोई व्यक्ति रहकर वहाँ की गर्म जलवायु में मांस खाता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। इसलिए आहार पहले आवश्यक है। सामान्य सा मैं एक दृष्टांत देता हूँ, जब यज्ञ में आहुति दी जाती है तो कोई नमकीन पदार्थ नहीं डाला जाता। पौराणिक मान्यता में क्या कहा जाता है कि देवताओं को रजोगुणी आहार प्रिय नहीं है। देव यज्ञ में क्या किया जाता है? वैदिक मान्यता में देव का अर्थ होता है विद्वान।
जब आहुति देते हैं तो विद्वान वहाँ एकत्रित होते हैं, विद्वानों का इससे रक्षण पोषण होता है, इसलिए उसको देवी यज्ञ कहते हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि जब आहुति देते हैं तो देवता आते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। अलग अलग मान्यताएं होती हैं अधिदैव में, अद्भुत में, अध्यात्म में, मैं इस विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। केवल यह समझिए कोई मिर्च वाला पदार्थ नहीं डाला जाता है। दूसरी बात, आहुति में तिल डाली जाती है, सरसों नहीं डाला जाता। आप देखेंगे सरसों की आहुति नहीं दी जाएगी, तिल की डाली जाएगी। जितने लवण वाले, नमकीन वाले पदार्थ हैं, खट्टे पदार्थ कभी भी नहीं आहुति में डाले जाते हैं। केवल सात्विक पदार्थ आहुति में डाले जाते हैं ताकि पूरा वातावरण सत्वगुणी रहे। तो भोजन का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसा आहार जिसका होता है, मैं आहार के बारे में और किस दिन बता दूंगा क्योंकि अभी कई प्रश्न हैं, विषय पर भी चलना है। यदि आपका आहार सात्विक होता है तभी आप ध्यान के योग्य होंगे। मैं लगभग 25 वर्षों से पूरे देश को सावधान कर रहा हूँ कि सुंदर साची, जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, आप आंखें बंद करके बैठे भी तो रहेंगे लेकिन मन आपका भागता रहेगा। जब मन थोड़ी देर के लिए एकाग्र होगा तो आपके चित्त में राज्य का स्वरूप बसना शुरू होगा, आपके हृदय में वो शोभा आने लगेगी। तो आप सोचते हैं कि हमको क्यों रोकते हैं, स्वामी जी मुझे क्या पड़ी है कि किसी के जीवा का आनंद मैं छीनूं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जीवा पर जो आप तीखी तीखी मिर्चियों का आनंद लेते हैं, कड़क चाय का आनंद लेते हैं, वो आनंद नहीं है, थोड़े समय के लिए एक तृष्णा भर है और यही तृष्णा आपको अखंड सुख से वंचित कर दे। अचार में क्या स्वाद है? कोई स्वाद नहीं। आपको कहा जाए कि 1 किलो प्याज दे दिया जाए, कहे कि खाओ, आप कहेंगे कि मैं कैसे खाऊं? तो भाई इसी प्याज के लिए तो व्याकुल हो रहे हैं ना, इसी लहसुन के, किसी को केवल लहसुन दे दीजिए कि इसको चबा कर खाओ, कैसे खाएगा वो? तो भोजन में थोड़ा सा नमक डालता है, मिर्च डालता है, लहसुन डालता है, प्याज डालता है। लेकिन कुछ सुंदर साथ होते हैं जिसे लगता है कि उनको लहसुन में ही स्वाद है, मिर्च में ही स्वाद है, तो चाय में ही स्वाद है। आप जीवा, ये रजोगुणी आहार है, आपको पता नहीं चलता है। मैंने साधना काल में एक एक चीज़ को जीव पर रखकर, लहसुन प्याज को तो मैं नहीं बता सकता लेकिन हाँ काली मिर्च को मैंने जीवा पर रखकर देखा है, नमक को खा करके देखा है कि ध्यान में बैठने पर क्या असर आता है। तो यदि मैंने कई बार मेरे मुख से झल्लाहट के वाक्य आ जाते हैं कई बार, तो इसमें जो भी गड़बड़ी होती है ये भोजन की गड़बड़ी होती है। मेरे भोजन में कहीं से भी कुछ मिलावट चुपके से भी कर देगा तो हो सकता है मैं किसी को झल्ला कर बोल दूँ क्योंकि मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूँ। यदि आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि नमक छोड़ दीजिए, नमक उचित मात्रा में सेवन कीजिए। मैं नमक के लिए प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूँ, आप सीधा नमक का सेवन करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। मिर्च में आप काली मिर्च का सेवन कीजिए उचित मात्रा में, औषधि के रूप में तो ठीक है, लाल मिर्च का सेवन छोड़ देंगे अति उत्तम है और सबको छोड़ देना चाहिए। जितने उष्ण पदार्थ हैं, यदि आप चाय पीते हैं तो रामदेव जी की चाय पीजिए, वनस्पतियों की औषधि के रूप में पीजिए। आप एक कुंतल दूध हो 100 लीटर, उसमें एक चम्मच चाय की पत्ती डाल दीजिए और मक्खन निकालने की मशीन डाल दीजिए तो 50 ग्राम भी मक्खन नहीं निकलेगा। 100 लीटर दूध का मक्खन एक चम्मच चाय समाप्त कर देती है। तो आप अंदर जो कई कई कप डालते हैं, सोचिए आपके शरीर का क्या हाल होगा, आपको नहीं पता। वो कैफीन जमा रहता है जो आपको नशे की तरफ ले जाता है। और इसे ध्यान में आप बैठेंगे तो जब तक चित्त सात्विक नहीं होगा, मैंने आपको संक्षेप में बता दिया, दर्पण हिलता रहेगा तो उसमें प्रतिबिंब नहीं आएगा। तो जो योगी महात्मा गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, कहते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, तो समझ लीजिए कि झूठ बोलते हैं। सूरज पश्चिम में उग सकता है लेकिन मांस खाने वाले का, शराब पीने वाले का, गांजा भांग पीने वाले का कभी भी ध्यान नहीं ले सकता। आप कहेंगे कि बड़े महाराज जी भी तो पीते थे। बड़े महाराज जी जिस अवस्था में थे उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, वो तो परमहंस अवस्था में थे, साधना काल में तो नहीं पिया। उन्होंने लीला में कभी दिखा दिया तो इसका अर्थ नहीं कि हम उनकी नकल करें, हम उनके बराबर तो नहीं हो गए। इसलिए जो परमहंसों का आदेश है
योग दर्शन का आदेश है, आहार की सात्विकता पहली आवश्यकता है। जब तक ये नहीं होगा आप ध्यान में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रावण वेदों को पढ़ा भर था, वेदों का विद्वान था, ज्ञानी नहीं था। ज्ञानी और विद्वान में अंतर होता है। वैसे वास्तविक विद्वान किसको कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, विद्वान सो ही देवा, ये सत्यम आचरण तिथे देवा अनिर्तम मनुष्य। जो सत्य का आचरण करते हैं वे देवता होते हैं, और जो झूठ का आचरण करते हैं वो मनुष्य होते हैं। कैसा विद्वान था, बौद्धिक विद्वान था, बुद्धि उसकी तेज थी। जैसे बंगाल के लोग क्या होते हैं, बंगाल के लोग मछली खाते हैं, तो जो वहां का ब्राह्मण वो भी होगा, वो भी मांस खाता है। हाँ, पूरे देश में सबसे अधिक सात्विकता राजस्थान में मानी जाती है, जहाँ काले हिरण रहते हैं। काले हिरण वहीं रहते हैं जहाँ सात्विकता का प्रबल प्रवाह होता है। आप जानते हैं राजस्थान की धरती वीरों की धरती है और भक्ति की भी धरती है। नीचे से गुजरात में क्या है, मांस बहुत कम खाया जाता है, लेकिन रजोगुड़ी भोजन की प्रबलता है। मतलब लहसुन प्याज मिर्च का सेवन बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र में और ज़्यादा होगा, आंध्रा में और ज़्यादा होगा। दक्षिण भारत में जाएंगे तो खटाई और लाल मिर्च खूब खाएंगे, मांस का सेवन बहुत ज़्यादा होगा। इससे उधर से कोई विरक्त कम होते हैं। जैसे जैसे भोजन तामसिक होता जाएगा, ज्ञान भक्ति की कमी होती जाएगी। तो मैं सब सुंदर साथ से आग्रह करूँगा कि इस तथ्य पर विशेष ध्यान दें, जब तक हमारे आहार की शुद्धि नहीं। आहार शुद्ध हो सत्य शुद्ध है। आहार की शुद्धि से ही बुद्धि की शुद्धता होती है। सत्य शुद्ध ध्रुव स्मृति, बुद्धि की शुद्धता से स्मृति ध्रुव होती है। स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षा, स्मृति की प्राप्ति होने से सभी ग्रंथियों से मुक्ति हो जाती है, अज्ञान की ग्रंथियों से। स्मृति का ध्रुव होने का तात्पर्य, जिसकी स्मृति ध्रुव नहीं होती है उसका चित्त चंचल रहता है, उसमें राज्य की शोभा नहीं बस पाती है। इसलिए आहार की शुद्धि होना आवश्यक है। योग दर्शन का एक सूत्र है, सत्व पुरुषयो शुद्ध साम्यक कैवल्यम। सत्व बुद्धि और पुरुष की शुद्धता से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो बुद्धि कहाँ से शुद्ध होगी, आहार से। यदि आहार शुद्ध नहीं है तो चाहे कोई वेद पढ़ ले कोई ऋषि नहीं बन सकता। रावण वेद पढ़कर भी राक्षस इसलिए कहलाया क्योंकि वो मांस खाता था। अभी मैं जो प्रसंग बता रहा था, रावण ने कुबेर की पुत्रवधु जो उनके पुत्र की पत्नी थी उसकी जबरन अस्मिता लूटी थी, उसका उसके साथ दुराचार किया था, तभी उनके मणिकुबर ये कुबेर के पुत्र ने श्राप दिया था कि रावण यदि तुमने भविष्य में तुम मेरे चाचा लगते हो और तुमने मेरी पत्नी का सील भंग किया है, अब किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विपरीत यदि तुमने स्पर्श भी कर दिया तो तुम्हारे सिर के हजार टुकड़े हो जाएंगे। इसी डर से रावण सीता को स्पर्श भी नहीं कर पाया था। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा योगी था। आजकल जो महिमा मंडन कर दिया जाता है कि रावण बहुत बड़ा महात्मा था, देखिए सीता को कभी छुआ नहीं। उसको बेचारे को तो डर था कि यदि मैंने सीता को छू भी दिया तो मेरे सिर के हजार टुकड़े हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है, किसी भी तरह का तामसिक आहार करता है, उसकी बुद्धि कभी भी भक्ति में लग नहीं सकती। इसलिए पहली आवश्यकता है योगी की कि आपकी आहार शुद्ध। सुंदर चाची, समय कम है, अभी प्रश्नोत्तरी का काम कर समय लगाकर जल्दी जल्दी मैं करूँगा। अभी मैं कुछ आज का जो कोर्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली है आसनस्थ, आसन में स्थित होना। यदि आपको एक मंजिल का भवन बनाना है तो क्या करना होगा, एक फुट भी नींव खुदवा करके ईंटों से आप जुड़ाई शुरू कर देंगे। तीन मंजिल का बनाना होगा तो पिलर खड़े करेंगे। आपको 10 मंजिल का भवन बनाना है तो नींव को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, कई फुट नीचे पिलर ले जाने पड़ेंगे। यदि आपको 100 मंजिल का भवन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं। इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है
कोई आर्किटेक्ट बताएगा कितने मीटर नीचे आपको नींव बनानी पड़ेगी, कई मंजिल के बराबर। 100 मंजिल का यदि आप भवन बनाना चाहते हैं तो कम से कम मैं समझता हूँ 10 मंजिल के बराबर तो नीचे केवल पिलर ही देने पड़ेंगे। तो कोई भी देख करके कहेगा कि इसकी क्या जरूरत है, इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है। यदि आपका आसन सिद्ध नहीं है तो आप कभी भी ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए दर्शन शास्त्र क्या कहता है, आसीना संभवात, जो दृढ़ासीन पुरुष है केवल वही योग का अधिकारी है। पहली आवश्यकता, जिसकी आहार शुद्धि नहीं है वो धारणा ध्यान का अधिकारी नहीं है। जिसका आसन सिद्ध नहीं है वह पूरी ध्यान की प्रक्रिया का अधिकारी नहीं है। और आसन के लिए हर आसन दो तरह के होते हैं। आजकल आसन करने को ही योग कह दिया गया है। योग अलग है, योग का अर्थ है यम नियम से लेकर समाधि तक की सारी प्रक्रिया योग कहलाती है। केवल आसनों को करने से कोई योगी नहीं बनता कि किसी ने 108 आसन सीख लिए और सबको कसरत करके दिखाए तो वो योगी नहीं है। योग का अर्थ क्या है, जिसने अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार किया है उसको योगी कहते हैं, और उसके लिए यम नियम का पालन करते हुए समाधि तक पहुंचना होता है। यम नियम में क्या होता है, 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना प्रणिधान। ईश्वर परिधान किसको कहते हैं, परमात्मा पर अटल श्रद्धा हो, अटूट समर्पण। यदि आपके अंदर सच्चिदानंद परमात्मा के प्रति अटूट समर्पण नहीं होगा तो आपको समाधि की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। तो अब जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ, आसानी समझ में आ जाएगा। नींव बनाने के लिए क्या करते हैं आप, सरिया का प्रयोग करते हैं, सीमेंट, बजरी, कई चीज़ें डालते हैं, तब नींव खड़ी होती है। उसी तरह से जो आपका योगासन है, योगासन दो तरह का होता है। एक व्यायाम आसन होता है, आप सर्वंगासन कीजिए, ऊर्ध्वासन कीजिए, मंडूकासन कीजिए, ये सब क्या है, व्यायाम के आसन है, शरीर के रोगों की निवृत्ति के लिए। ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देख करके बताया है कि इस आसन के करने से ये रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको ध्यान आसन कहते हैं वह है, पहला है सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, समत्वासन, सरलासन। इन आसनों पर बैठकर आप ध्यान की प्रक्रिया कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है, देखिए आपने अभी तक में सुना है कि श्री देवचंद जी को चितवनी लग गई है, अखंड ब्रज बिहारी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन घुगनी उनके दर्शन करते समय उनको ऐसा आभास होता है कि मैं राधा जी हूँ और भोजन करने के और घुगनी का प्रसाद मैं कृष्ण के साथ खा रही हूँ। जैसे ही हाथ जमीन से टकराता है उनको शरीर का आभास हो जाता है और ध्यान टूट जाता है, दर्शन बंद हो गया। केवल हाथ यहाँ से, केवल हाथ हिलने से उनका ध्यान टूट जाता है। तो जैसे भूकंप आता है तो क्या होता है, धरती हिलती है और धरती के हिलने से पूरी बिल्डिंग के भरभरा कर गिर जाने का डर रहता है। यदि आसन सिद्ध नहीं होता है, आपका शरीर झूलता रहता है, आप शांति से बैठ नहीं सकते, तो परिणाम क्या होगा, आपका ध्यान कभी भी लगेगा नहीं। ध्यान कब लगता है, जब आप आसन में बैठ जाइए। तो जिस तरह से बैठें, जैसे ऐसा है तो ऐसे भी ना कीजिए, आप यहाँ खुजला रहे हैं, यहाँ खुजला रहे हैं, तो आपका तो आसन ही सिद्ध नहीं हुआ। जब बैठ गए तो बैठ गए, जैसे कोई व्यक्ति मूर्ता होता है, मूर्ति होती है। योग दर्शन में सूत्र आता है अचलत्वम सापेक्ष, अपेक्षाकृत अचल होना आवश्यक है। जब आप बैठ जाते हैं तो बैठ जाइए, मूर्ति बनकर के बैठ जाइए, हिलिए डुले नहीं। आसीना संभवात, दृढ़ासीन जो योगी होता है जब तक यह नहीं कर सकता तब तक आगे की गाड़ी ही नहीं चल सकती है। अब अलग अलग आसनों की अलग अलग विशेषता होती है, शरीर की प्रवृत्ति के अनुसार, शरीर की जिसकी जैसी प्रकृति है उसके अनुसार आसन का चयन करना चाहिए। जिसकी जांघें मोटी होती हैं उनको पद्मासन लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पद्मासन में
एक पैर को दूसरे पैर की जगह पर रखना पड़ता है। जैसे देखिए, इसको इस पर लगना मैंने रखा है, जिसकी मोटी मोटी जांघें होगी, ये होगी, उसको यहाँ पीड़ा होने लगेगी। उनको सरलासन का प्रयोग करना चाहिए, स्वस्तिक आसन का प्रयोग करना चाहिए, समत्वासन का प्रयोग करना चाहिए, अर्धपद्मासन का प्रयोग करना चाहिए। समत्वासन कैसे होता है? सबसे अधिक आवश्यक है पीठ सीधी हो, पीठ गर्दन सीधी हो, गर्दन झुकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दर्द होगा। दूसरा है ये सरलासन, ये दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। इसमें भी परेशानी होती है तो एक स्वस्तिक आसन, जैसे स्वस्तिक का चिन्ह आप देखते हैं बनाया गया होता है करों में, ये है स्वस्तिक आसन। तो इसमें क्या होता है, ये आधा सिद्धासन का काम करता है स्वस्तिक आसन। तो इस स्वस्तिक आसन को सिद्ध कर लीजिए, सरलासन को सिद्ध कर लीजिए, समत्वासन, सिद्धासन और पद्मासन। सिद्धासन में और पद्मासन को सर्वोपरि माना जाता है। इसमें विशेषताएं होती हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिद्धासन का अर्थ क्या होता है? सिद्ध पुरुष का आसन। हमें क्या करना चाहिए? जिसे कहावत कही जाती है ना कि बड़ों की नकल नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीजों की नकल करनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलें। लेकिन हमारी स्थिति उसके अनुकूल है या नहीं, यह भी सोचना चाहिए। सिद्धासन ऐसा आसन है जिसका मन शांत हो, जिसका मन अनिष्ट चिंतन न करता हो। मनुष्य के अंदर विकार कहाँ से पैदा होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। कामस्य बीज संकल्प संकल्पाते व जायते। काम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? संकल्प से। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ, जिसको शुगर का रोग होता है, डायबिटीज का, वो कहीं भी जाएगा तो कहेगा कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मुझे चाय फीकी चाहिए, क्योंकि सबको बताता फिरेगा कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ। लेकिन जब अकेले कहीं छोड़ दीजिए मिठाई की दुकान में, तो सबसे ज़्यादा मिठाई अकेले वही खा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तृष्णा बनी होती है। बस उसको दिखाना होता है कि मैं खाता नहीं हूँ, अकेले में सबसे ज़्यादा वही खाएगा, क्योंकि वो बार बार मिठाई का चिंतन करते रहता है। वो दमन करता है अपनी इच्छाओं का दमन, और इच्छाओं का दमन करने वाला जबरन दबाए रहता है अपनी इच्छाओं को। परिणाम क्या होता है? उसकी इच्छाएं जब फूटती हैं तो ज्वालामुखी की तरह फूटती हैं, और यही चीज़ घातक होती है। इसलिए इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, समन करना चाहिए। समन का अर्थ क्या होता है? मन के द्वारा नियंत्रण करना। दमन किसको कहते हैं? इंद्रियों का दमन। जब समन कर लेंगे तो दमन अपने आप हो जाएगा, लेकिन समन नहीं किया, दमन किया, तो उसका परिणाम बहुत ही घातक होता है। जैसे आपको डॉक्टर ने मना किया है कि आप मिठाई मत खाइए, अब मिठाई खा तो नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी एकांत में बैठते हैं मिठाई के बारे में सोचते हैं, सोचते सोचते क्या होगा, आप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे कि अकेले में छिपकर मैं मिठाई खा लूं। यही कहानी जीवन में होती है। मनुष्य की जो इच्छाएं अतृप्त रहती हैं उनको पाने के लिए वो व्याकुल रहता है, समाज के डर से खुल करके नहीं कहता है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालता रहता है, इसी में भटका होता है। इसलिए यदि हम निर्विकार होना चाहते हैं तो हमें क्या होना होगा? समन का मार्ग, मन में अनिष्ट का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है जिसमें कहा गया कि पांचवें अध्याय में एक एक बात का उसमें दिग्दर्शन कराया गया है कि किस तरह से मनुष्य, चौथे पांचवें अध्याय में ये प्रसंग है, चौथे अध्याय में, कि मनुष्य किस तरह से विषयों से निवृत्त हो सकता है। एक सूत्र है अहिनिवल्लिवत, सर्प जैसे केचुली को छोड़ देता है तभी वो सुखी रहता है, इसलिए विषय की कामना ही नहीं करनी चाहिए। छिन्न हस्तवत्वा, जैसे उंगली में
सर्प ने काट लिया तो क्या करेंगे, उंगली को काट देंगे। तो मनुष्य जब तक विषय की निवृत्ति नहीं कर लेता तब तक वो सांख्य योग का अधिकारी नहीं होता। द्वाभ्याम अपि तपः निराश सुखी पिंगलावत। पिंगला नाम के एक वेश्या थे, आधी रात तक वो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती है। अचानक उसको ग्लानी होती है कि आधी रात तक मैं अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही हूँ व्याकुल होकर, इतनी तड़प मैं अपने परमात्मा के लिए करूँ तो मेरा जीवन भवसागर से पार हो जाएगा। और उसने अनुचित कार्य छोड़कर परमात्मा की भक्ति में लगा दिया। तो ये जो सूत्र होते हैं क्या कहते हैं, निराशा सुखी पिंगलावत, जो विषयों से निराश हो जाए। तो ये अध्याय क्या है, हमें विवेक देने दे रहा है। भोगात अपि न शांति मुनिवत, भोगात न राग शांति मुनिवत। सौभरी मुनि थे, देखिए सौभरी मुनि बचपन से ही वन में चले गए तप कर रहे हैं। तप करते करते एक दिन स्नान करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि मछली का जोड़ा जल में क्रीड़ा कर रहा है। सोचते हैं कि ये मछली का जोड़ा कितनी खुशी से ये कर रहा है, मैं भी गृहस्थी होकर के देखूं तो इसका आनंद क्या है। गृहस्थी बन जाते हैं। मनु की 10 कन्याएं थी, उनका विवाह हो जाता है। अब उनको तो मालूम ही नहीं था कि विषय भोग क्या होते हैं। विषय भोग के जब दलदल में फंसते हैं तो उनके पुत्र होते हैं, पुत्रों के विवाह हो जाते हैं, फिर पौत्र भी हो जाते हैं। उनकी जटाएं अब सफ़ेद होने लगती है। सोचते हैं कि अरे मैं तो वन में गया था तप करने, परमात्मा की खोज करने के लिए, मैं किस जंजाल में फंस गया हूँ। उसी क्षण उनको वैराग्य होता है और पुनः वन की राह ले लेते हैं। आप सोचिए, एक व्यक्ति मछली को कीड़ा करते हुए, मछली के जोड़े को कीड़ा करते हुए वन का सन्यासी सौभर मुनि, प्राचीन काल के मैं ऋषि की बात कर रहा हूँ, जब उस मोह बंधन में बंधता है तो बनते जाता है, बनते जाता है। तो उसी तरह से यह अध्याय क्यों दिया गया है, सूत्र क्यों दिया गया है कि मनुष्य आने वाली पीढ़ियाँ सावचेत हो जाए कि सौभर मुनि इतना विषय भोग किए तो भी उनको शांति नहीं होती। भोगात न राग शांति मुनिवत, एक सूत्र कपिल जी ने लिखा इस संबंध में। तो यदि हम विषयों से निवृत्ति चाहते हैं, हम खुद प्रैक्टिकल करना चाहें कि भाई हम भी प्रैक्टिकल करके देखें ये सही है नहीं, तब तो सारी उम्र ही आपको एक समाप्त हो जाएगी। तो विवेक दृष्टि हमें ले लेना चाहिए। वाजिद अली शाह की 365 पत्नियाँ थीं, प्रतिदिन के लिए वो एक पत्नी रखता था। अकबर के दरबार में 500 अवैध स्त्रियाँ थीं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में 700 अवैध स्त्रियाँ थीं। ये मुसलमान विषय भोग में ही जानवरों की जिंदगी बिताते थे। ये विषय भोग करते करते मर गए लेकिन इनकी तृष्णा नहीं गई। इसलिए क्या कहते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, हम ही बूढ़े होते हैं। देखिए ऋषियों ने विधान बनाया है, चाहे कोई कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, अपने तप का, अपनी विद्वता का, अपनी साधना का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमेशा उस सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना रखनी चाहिए कि हे परमात्मा, मुझे विषयों से बचाए रखना, इन विषयों में कोई शांति नहीं है। मन में जैसे ही बुरे विचार आएँ आप मन को विचारों से अलग कर दीजिए, क्योंकि मन विचारों के अनुसार ही चलता है। मनुष्य का व्यक्तित्व विचारों के अनुसार ही बना होता है। इस संबंध में देखिए भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में एक श्लोक लिखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी के लिए शिक्षाप्रद है। वो क्या कहते हैं भर्तृहरि, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्यो वात अम्ब पर्ण स्ना ते अपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वा इव मोहं गता, साल अन्नम सगृतम पयोदुक्तम भुजंती ये मानवा तेसाम इंद्रिय निग्रहो यद भवेत तरेत विंध्य सागरे। विश्वामित्र और पराशर ऋषि क्या करते थे, वायु जल और पत्तों का आहार करते थे। आजकल तो आश्रमों में चले जाइए तो सब्जी में तेल और घी तैर रहा होता है, उसमें खूब लाल मिर्ची पड़ी होती है और खूब ब्लैक टी चलती है। बड़े बड़े आश्रमों में सारी सुविधाएं हैं जो होटलों में होती हैं, बड़े बड़े अमीर घरों में। आजकल के आश्रम वैसे आश्रम नहीं रह गए। जो विश्वामित्र और पराशर ऋषि
वायु जल और पत्तों का हार करते थे, उनका भी संयम जब टूट सकता है तो आप सोचिए, एक सामान्य साधक जो अपने आहार पर नियंत्रण नहीं करता, अपने संकल्पों पर समन की प्रक्रिया नहीं अपनाता, विवेक दृष्टि नहीं रखता, किसी भी क्षण उसका विवेक नष्ट हो सकता है। लेकिन जिसने समर्पण का अस्त्र लिया, सब कुछ राज्य पर छोड़ दीजिए, राज्य को आर्त स्वर से पुकारिए, राज्य मुझे इससे बचाइए, बस आप बच गए। यदि आपने साधना का अभिमान किया तो आपका बचना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जब तक आपके अंदर विवेक नहीं आएगा, समन की भावना नहीं आएगी, तब तक आपको सिद्धासन पर नहीं बैठना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा था, यदि आप सिद्धासन पर बैठकर अनिष्ट चिंतन करते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन क्या कहता है, विषय का चिंतन अनिष्टकर होता है, अनिष्टकरम तु स्यात् विषय चिंतनम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है। इस सूत्र को याद रखिए कि अनिष्टकरम तु स्यात् विषय चिंतनम, विषय का चिंतन करना अनिष्टकर होता है। पद्मासन पर आप बैठकर कर सकते हैं। पद्मासन में ये गुण क्या होता है, देखिए हमारी जो शुक्रवाहिनी नाड़ियाँ होती हैं, कभी जांग से भी होकर गुजरी होती हैं, काफ़ी कुछ नाड़ियों का संबंध एक दूसरे से बना होता है। जब पैर की ये एड़ियाँ इस पर दबती हैं जांग पर, तो क्या होता है कि धीरे धीरे मनुष्य संयम की तरफ बढ़ने लगता है। मैं सभी आसनों के बारे में कई गोपनीय बातें बताने जा रहा हूँ, ये बातें किताबों में नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति विकारी हो, कैसा भी हो, वो यदि वो पद्मासन पर बैठने लगता है तो उसके विकार अपने आप शांत होने शुरू हो जाएंगे, बस आहार को शुद्ध कर दे। ये गुण स्वस्तिक आसन में नहीं मिलेगा पूरी तरह से, सरलासन में ये गुण नहीं आएगा, लेकिन पद्मासन आपको कुछ समय के अंदर निर्विकार बनाने की क्षमता रखता है। उससे भी कम समय में सिद्धासन बना देगा आपको। यदि निर्विकार बनाने में पद्मासन 2 महीने का समय लगता है तो सिद्धासन आपको 15 दिन में ही बना देगा। लेकिन सिद्धासन ये शर्त रख देता है, अनिष्ट कर्म तु स्यात् विषय चिंतनम, यदि विषय का चिंतन आप करोगे तो मैं आपको और विषय बना दूंगा। इससे सिद्धासन बहुत खरा आसन है। इस आसन पर केवल उसी को बैठने का अधिकार है जो मन में बैठकर विषय का चिंतन नहीं करता है। मन में बैठकर विषय का चिंतन करने वाले के लिए और भयानक स्थिति पैदा हो जाती है और वो उत्तेजित हो सकता है और राह से पथभ्रष्ट हो सकता है। इसलिए मैं दोनों आसनों की गुणवत्ता को बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन सिद्धासन में एक विशिष्ट गुण है। कल एक सुंदर साथ का प्रश्न था, शायद लिखित में भी आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ कुंडली जागरण के बारे में। देखिए कुंडली जागरण क्या है, सुंदर साथ में भी एक भ्रम चल जाता है, क्योंकि आजकल योग सिखाने वाले जानते हैं ना, जो बड़े बड़े MD डॉक्टर होते हैं वो आजकल फेल हो जा रहे हैं, और जो छोटे मोटे डॉक्टर कुछ नुस्खे कुछ रट लेते हैं, कहीं से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। वो क्या करते हैं, हाईवी डोज की दवाइयाँ दे देते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। और आम जनता जो अनपढ़ होती है वो कहती है कि देखिए उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, इतनी दवाइयाँ दी, एक दिन में मेरा बुखार उतार दिया। उनको पता नहीं है कि एक दिन में बुखार उतारने का परिणाम क्या होगा। वैसे ही आजकल योग बन गया है। इसी में एक प्रक्रिया आती है हठ योग की। हठ योग प्रदीप का नामक एक ग्रंथ है। आप पतंजल के योग सूत्रों में कहीं भी कुंडली जागरण का वर्णन आप नहीं पढ़ेंगे। 11 उपनिषदों में कहीं कुंडली जागरण का वर्णन नहीं मिलेगा। वेदांत में, सांख्य योग में कहीं भी कुंडली जागरण का वर्णन नहीं मिलेगा। ये कुंडली जागरण की विधा क्या है, हठ योग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, शरीर में 8 चक्र होते हैं।
अब आठ चक्रों को सात कह करके वर्णित किया गया है, कहीं कहीं ये गलत है, अष्टाचक्र ही है। आठ चक्र क्या है, सुषुम्ना के ऊपर आठ बिंदु हैं, इनके द्वारा प्राणों का नियमन होता है, शरीर में जो प्राण होते हैं। मैं शायद कल ही बताया था किस तरह से त्रिकालदर्शी हुआ, जब आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान की गहराइयों में पहुंचते हैं। देखिए कुंडली जागरण क्या है, हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है हमारे मेरुदंड के अंदर से होकर निकली है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीन नाड़ियां, ये जो स्थान है त्रिवेणी कहलाता है, ये त्रिवेणी कहलाएगा, ये त्रिकुटी है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर कभी भी मन को एकाग्र नहीं करना चाहिए बिना पथ प्रदर्शक के। गीता में लोग पढ़ लेते हैं कि दोनों भावों के बीच में जो ध्यान करता है वो परम कल्याण को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर करेंगे तो मनुष्य पागल भी हो सकता है, क्योंकि यदि आप में ओजस तत्व की कमी होती है, ओजस किसको कहते हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य की पूर्ण सिद्धि होती है उसमें ओजस तत्व का निर्माण होता है, उसकी कमी से कभी भी व्यक्ति पागल हो सकता है। मैंने कई लोगों को सिर दर्द की शिकायत होते देखा है, यहाँ पर कभी भी मन को एकाग्र नहीं करना चाहिए। ये त्रिकुटी जहाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ मिली हैं उसको त्रिवेणी कहते हैं। इसमें स्नान करने का तात्पर्य क्या है, यहाँ जो ध्यान करते हैं तो की अनुभूति होती है, यहाँ सुषुम्ना नाड़ी दसवें द्वार को पार करके बाहर निकलती है। अब ये दसवें द्वार को बंद किए करके बैठी होती, जैसे ये डंडा है, एक सरपणी एक रस्सी लपेट दी जाए और एक कमु यहाँ रहे, तो ये अलंकारिक भावना है कि कुंडलिनी शक्ति हठयोग के अनुसार शिव शक्ति का मिलन है। मूलाधार पहला चक्र है, मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान अनाहत वगैरह विशुद्ध हृदय में जो चक्र है, और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र आठवां होता है, सहस्रार के मुख को ये दसवें द्वार को बंद किए रहती है। हठयोग की प्रक्रिया के अनुसार क्या किया जाता है कि प्राणायाम के द्वारा कुंडली को खोला जाता है, माने चक्रों का भेदन करने कहते हैं। खूब आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ आसनों की प्रक्रिया भी उसमें लगाई जाती है, और उसके द्वारा एक एक चक्र को खोला जाता है और इसमें सारा जीवन लग जाता है। कुंडली जागरण में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि दसवां द्वार खुल जाए और नीचे के सभी नीचे का जो हिस्सा है जो इसके मुख को बंद किए है, जैसे सर्पिणी की तरह लिपटी हुई है सुषुम्ना नाड़ी को, और सुषुम्ना नाड़ी इतनी सूक्ष्म है, कुंडलिनी इतनी सूक्ष्म है कि उसको आँखों से देखा नहीं जा सकता। तो जब जैसे जैसे उभरते हुए ये सारा उभर जाता है, दसवां द्वार खुल जाता है, दसवें द्वार के खुलते ही आठों चक्र सरलता से प्रकाशित हो जाते हैं और उस व्यक्ति की दिव्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसी में क्या होता है, त्रिकालदर्शी होने का गुण होता है। जब सारे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो संभव है एक विचित्र सी स्थिति आती है उस समय आपको बहुत उत्तेजना भी आ सकती है, और ऐसी भी स्थिति आती है कि शरीर उठ भी सकता है। यदि आप धैर्य बनाए रखें तो कुछ नहीं होता, भयभीत होने से और समस्या खड़ी हो जाती है, और दसवें द्वार को खोलकर शरीर में सारी शक्ति फैल जाती है, प्रकाश हो जाता है, वह व्यक्ति सिद्ध पुरुष माना जाता है। यह हठयोग की साधना है कुंडली जागरण। आप 11 उपनिषदों में किसी भी ऋषि मुनि ने कुंडली जागरण की बात नहीं की है। राजयोग जो या अभ्यंगम योग की जो साधना करते हैं सूरत शब्द योग की, वे अपने संकल्प बल से आठों चक्रों का भेदन कर लेते हैं और ये काम थोड़े समय में हो जाता है। जैसे उनकी साधना ओम के ध्यान से शुरू होती है, यहाँ दसवें द्वार में जैसे ही उनके चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है
तो जैसे जो हठ योगी मूलाधार चक्र से पहुँचते पहुँचते आठवें चक्र में पहुँचते हैं तो उनका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, पता नहीं इस जन्म में भी होता है नहीं। वो मात्र कुछ समय की साधना से जो आठवें चक्र में दसवें द्वार में जो ध्यान करते हैं उनके ध्यान के प्रभाव से वह दसवां द्वार खुल जाता है। दसवें द्वार के खुलते ही आठों चक्र स्वतः ही खुल जाते हैं और कुंडली जागरण हो जाता है। लेकिन दसवें द्वार खुलने से भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। देखिए, मैं तारतम ज्ञान के आने से पहले जो विधियां प्रचलित थी मैं उसके बारे में बता रहा हूं। कुंडली जागरण हठ योग की प्रक्रिया है, इससे ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल योग की जो मार्केटिंग शब्द को क्या कहेंगे, योग का विक्रय आकर्षित पैकेज में करके बताना कि देखो हम आपकी कुंडली शक्ति जागृत कर देंगे, आपको प्रकाश दिखाई देगा, तो भोला भाला एक जिज्ञासु समझता है कि अरे सब पढ़ने लिखने वेद शास्त्र ध्यान समाधि की क्या जरूरत है, तो कुंडली शक्ति का जागृत कर देते हैं। एक वो दिव्य ज्योति संस्थान चला है पंजाब से, वो एक बिहार के महात्मा थे, उन्होंने पंजाब में एक ज़मीन खरीदी। अब वो तो पिछले कई वर्षों से शरीर छोड़े बैठे हैं, उनके शिष्य यही प्रचारित करते हैं कि हमारे गुरुजी मरे नहीं हैं, समाधि में हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आंखें मल देते हैं और आंखों को मलेंगे तो कई तरह का प्रकाश दिखता है, कह देते हैं कि देखो हमने तुम्हें दर्शन करा दिया। केवल आंखों को मलने से ज्योति का दिख जाना ही दर्शन था, तो ऋषियों को क्या जरूरत थी समाधियां बड़ी बड़ी लगाने की, निर्विज समाधि में पहुंचने की क्या जरूरत थी। तो ये सब योग के नाम पर फैला हुआ आडंबर है। तो आपको कुंडली जागरण के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुंडली जागरण का परमात्मा के साक्षात्कार से कोई भी संबंध नहीं है। दसवां द्वार खुलना अवश्य महत्वपूर्ण है। हाँ, जिसकी कुंडली जागरण होती है, जागृत होती है, वो भविष्य की बातें बता सकता है, चमत्कार दिखा सकता है, सिद्धियां दिखा सकता है, लेकिन परमात्मा का दर्शन उसको नहीं है। ध्यान का अर्थ क्या है अभिप्राय? हम आत्म साक्षात्कार करें, अपने को देखें, परमात्मा को देखें, यह है। आपको चमत्कार दिखाने के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे नहीं पड़ना है कि हमारी कुंडली जागृत हो गई है, देखियो मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं आज से 100 साल पहले की बात बता सकता हूँ, 2 साल पहले क्या होगा मैं पहले ही बता दूंगा। तो यदि पूजा पाठ का संसार में कराना है तो आपके लिए योग नहीं है, ये तो मदारी जो कहलाते हैं, जिनको जादूगर कहते हैं, जादूगरी दिखाकर पैसा बटोरने वाले का काम है, यह योगियों का काम नहीं है। जो दसवां द्वार होता है, जो मैंने कहा योग की प्रक्रिया से आसानी से खुल जाता है राजयोग के द्वारा, जो सातवें द्वार आज्ञा चक्र से शुरू होकर दसवें द्वार में पहुँचेंगे वो कम ही समय में आठों चक्र को जागृत कर लेते हैं। उनके लिए आसन प्राणायाम नहीं करना पड़ता है। आसन प्राणायाम हमें कितना करना चाहिए? प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणायामात अशुद्ध क्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते। जैसे यहाँ पर खूब धूल पड़ी हो तो धूल, हमने पंखा तेज चला दिया तो क्या होगा, धूल सारी उड़ जाएगी। तो हमारी नस नाड़ियों में जितनी अशुद्धि जमी हुई है, फेफड़े में, हृदय में, उसको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्राणायाम करना जरूरी है। हमारे मन के विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम जरूरी है। विवेक ख्याते, बुद्धि का आवरण इससे दूर होता है। दयन्ते ध्यामाना नाम धातु नाम ही यथा मला तथा प्राणस्य, प्राणों के व्यायाम से। जैसे धातुओं का जो मल होता है अग्नि में तपाने से दूर होता है, वैसे प्राणों का जो विकार होता है प्राणायाम से दूर होता है। प्राणायाम इसलिए किया जाता है, प्राणायाम को जैसे कपालभाति कीजिए, कपालभाति करने से क्या होता है, शरीर के कई रोग दूर होते हैं, कफ की विकृति दूर होती है, इसको इससे कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। और देखिए साधना में जो पहला व्यवधान होता है व्याधि का होता है, क्योंकि स्वयं मैं इससे जूझता रहा हूँ,
मुझे कफ दोष रहा है, ब्रोंकाइटिस की समस्या जो रही है, तो इससे मुझे कई वर्षों तक बहुत तकलीफ रही है कि जो मैं 18 वर्ष की अवस्था में रात को बैठा हुआ सवेरा कर देता था, इसका जब कष्ट होता था तो मुझे 2 घंटे बैठने में भी तकलीफ होती थी, क्योंकि मैं ठंडी चीज़ें बहुत खा गया था और कफ की प्रवृत्ति लगातार फलाहार करते रहने से मेरे अंदर कफ की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी। और जो मैंने बताया कि मैं पूरी रात 18 वर्ष की अवस्था में बैठने में सक्षम था, जब साधना का चरम था तो मेरे लिए 2 घंटे भी बैठने तकलीफ दे होती थी। तो आपको कफ की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्राणायाम नियमित रूप से करें कि ताकि सीने में कफ जमा न होने पाए। यदि आपका वात कुपित है, वातकारक पदार्थ कभी भी योगी को नहीं खाना चाहिए। चना बहुत नहीं खाना चाहिए, यह भी वात करता है। भारी पदार्थ खाएंगे, गैस वात बनेगी, तो आपके ध्यान में बाधक है। क्योंकि जब तक आपकी प्रवृत्ति बिना हिले डुले वाली न हो जाए, तब तक आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह मूल चीज है। जब आप सिद्धासन पर बैठिए तो किसी भी अनिष्ट का चिंतन नहीं कीजिए। पद्मासन पर आप बैठे हैं, आपके सामने कितना भी सुंदर दृश्य हो, स्वर्ग की सबसे श्रेष्ठ अप्सरा भी आकर बैठ जाए, खड़ी हो जाए, नृत्य करने लगे, आपके विकार नहीं होएगा। आप अपने आसन पर बैठे रहिए, पद्मासन ही आपको निर्विकार कर देगा। लेकिन पद्मासन में एक समस्या होती है कि उसमें ये यहां दर्द होने लगता है। जैसे ये मैंने कर दिया, किसी की यहां पीड़ा होगी, किसी को यहां पीड़ा होगी। हाँ, 4 घंटे तक 5 घंटे तक बैठ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कई कई दिन बैठे रहते हैं। गौतम बुद्ध तो 7 दिन 7 रात इसी पर बैठे रह गए थे। सिद्धासन की भी जो सिद्धि होती है, सिद्धासन पर में गुण होता है कि जो अनिष्ट चिंतन नहीं करता, विषय का चिंतन नहीं करता, वो पूर्ण रूप से निर्विकार भी हो सकता है। और जो सिद्धासन जिसने सिद्ध कर लिया, उसके लिए समाधि तक पहुँचना भी बहुत सरल होता है। पद्मासन आपको पूर्णतया निर्विकार अवस्था में पहुंचा सकता है। सरलासन का इसी तरह से गुण है, यदि आपका कोई भी आसन सिद्ध नहीं होता है तो सरलासन पर बैठ जाइए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको पीठ बिल्कुल सीधी रखनी होगी, कमर सीधी रखनी होगी, गर्दन भी सीधी रखनी होनी चाहिए। जैसे ये हाथ है, इस पर 10 किलो का वजन मैं रख दूँ तो कोई समस्या नहीं। इसका गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है, गुरुत्व केंद्र बीच में होना चाहिए। और यदि मेरा हाथ टेढ़ा है, 1 किलो भी रखूँ तो, और जबरन रखूँ तो यहाँ पर ही टूट जाएगा। आपकी पीठ सीधी है तो आप 6-6 घंटे बैठे रहिए, 10 घंटे बैठे रहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन यदि आप झुक करके बैठते हैं, अधिकतर सुंदर साथ क्या करते हैं, झुक जाते हैं, गर्दन टेढ़ी कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि दर्द होता है, हमसे बैठा नहीं जाता। उनका दोष नहीं है, दोष है उनके बैठने के तरीके। कुछ सुंदर साथ क्या करते हैं, दीवार के सहारे तकिया लगा लेते हैं और कहते हैं कि दीवार के सहारे हम बैठ जाते हैं, उनकी भी भूल है। देखिए, मैं आपको केवल किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ करके देखा है। मैंने भी सोचा है कि मैं अभी कई दिनों तक लगातार की समाधि में बैठूं तो दीवार के सहारे बैठ जाऊंगा, क्योंकि महर्षि रमण वो भी 7 दिन तक बैठे रह गए थे। और जग्गी वासुदेवा स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैं 13 दिन 13 रात लगातार बैठे रह गया था। तो वो नकल आपको नहीं करनी है। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मने पलक। यदि आपके अंदर पूर्ण प्रेम है, पूर्ण समर्पण है, तो 4-5 घंटे की चितवनी भी आपको शिखर पर पहुंचा सकती है, जहां जग्गी वासुदेवा भी नहीं पहुंचे हैं। आप दीवार के सहारे आप बैठते हैं, तकिया लगाइए चाहे कुछ भी लगाइए, आपका मेरुदंड टेढ़ा हो जाएगा। जैसे आप यहाँ तकिया लगा कर बैठ तो गए, लेकिन उसके नीचे कमर के यही भाग में मेरुदंड टेढ़ा रहेगा। थोड़ी देर तक तो अच्छा लगेगा, 1/2 घंटा 1/4 घंटा अच्छा लगेगा, उसके बाद दर्द शुरू हो जाएगा। आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये जो तकिया है, आपके शरीर का वजन ढोते ढोते या आपकी जो मेरुदंड की अस्थि है, हड्डी है, वो विकृत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब भी बैठिए, जितनी देर ध्यान करना है, यदि आपको निद्रा नहीं आ रही है तो ध्यान कीजिए,
निद्रा आ रही है तो लेट जाइए, जबरदस्ती न कीजिए, हठ मत करने का प्रयास कीजिए। हाँ, जितनी देर बैठिए सही तरीके से बैठिए, ऐसे कर लीजिए तो उंगली भी वैसी इधर उधर ना हो। तो एक घंटे का भी ध्यान कीजिए तो बढ़िया से कीजिए, केवल दिखाने के लिए कि नहीं कि मैं चार घंटे बैठा हूँ और कभी गर्दन टेढ़ी कर रहे हैं, कभी कभी पीठ टेढ़ी कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, यदि चार घंटे बैठना है, आप में सामर्थ्य नहीं है, तो एक घंटा आप कीजिए, 10 मिनट का आँखें बंद रखे हुए आराम कर लीजिए, लेट जाइए, फिर एक घंटा कीजिए, इस तरह से तो ठीक है। लेकिन टेढ़ा होकर के बैठना या गलत तरीके से बैठना, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा, क्योंकि इन सारी स्थितियों को मैंने स्वयं परीक्षण के तौर पर देखा है और अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जितनी देर ध्यान कीजिए बढ़िया से कीजिए, नहीं तो अपने शरीर को उस योग्य बनाइए कि वह लंबे समय तक बैठ सके। आसन की सिद्धि के लिए प्रतिदिन दूसरे दिन 2 मिनट की वृद्धि कीजिए। एक ही दिन सोचे कि मैं तीन घंटे बैठे रह जाऊं तो आपके शरीर के लिए घातक होगा। शरीर की जितनी शक्ति है उसको धीरे धीरे वृद्धि कीजिए। जैसे पहले दिन आप 1 घंटा का अभ्यास है, आपको 1 घंटा बैठते हैं, तो उसके 2 दिन के बाद 2 मिनट बढ़ाइए, फिर 2 दिन के बाद 2 मिनट और, तो 4 मिनट बढ़ता गया, 1 महीने में आधा घंटा आप बढ़ा सकते हैं। तो साल भर में आप सोच लीजिए आप कितने के बढ़ा लेंगे, 6 घंटा आपका आसन बढ़ जाएगा। तो एक ही वर्ष में आप 7 घंटे का आसन बिना हिले डुले लगातार बढ़ा सकते हैं, और 2-2 मिनट बढ़ाने से आपके शरीर को कोई क्षति नहीं होगी। एक ही बार जबरदस्ती करेंगे वो आपके लिए बहुत ही घातक हो जाएगी। तो आसन सिद्ध हो गया तो समझिए आपका बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि आपका यदि मन भी शुद्ध है, आसन सिद्ध नहीं है तो क्या होगा। 2 घंटे के बाद जब आप समाधि में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय सीने में दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, तो आपका तो सारा किया कराया सब फेल हो गया। आप जो भवन बना रहे थे, नींव कमज़ोर थी, लिंटर डालने का समय आया तो उसमें भरभरा कर गिर गया। बस ये कहानी है, और यहीं पर चूक हो जाती है। ध्यान तो लाखों लोग करते हैं लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि आसन की सिद्धि बहुत आवश्यक है। और आसन की सिद्धि से पहले क्या होता है, यम नियम का पालन जरूरी होता है। कोई व्यक्ति किसी जानवर की गर्दन काट कर आए और आंखें बंद करके ध्यान करने लगे, कहाँ से आसन सिद्ध होगा, वो पाप उसको बेचैन कर देगा। कोई व्यक्ति किसी का इज्जत लूट करके आए, दुराचार करके आए, आसन पे बैठेगा, कहाँ से आसन सिद्ध लगता है। इसलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इनका जो पालन करता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, इन 5 यम 5 नियमों का आसन पालन करने वाला आसन की सिद्धि कर पाता है। यदि इसमें विकृति होती है तो वो फेल हो जाता है। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप उस मार्ग पर चलते रहिए। आसन के बारे में मुख्य चीज यही है, पीठ, गर्दन सीधी हो, और ये ज्ञान मुद्रा है, या देखिए एक तो ज्ञान मुद्रा होती है और ये एक दूसरी मुद्रा होती है, इसका भी महत्व होता है। कमल का फूल ऐसे खिलता है, ऐसे नहीं खिलता है। आराम के क्षणों में आप भले ही ऐसा कर लीजिए, लेकिन जब वास्तविक ध्यान में हो तो ऐसे रहिए, तभी कमल के फूल की तरह ये आपके शरीर का विकास होता है। जैसे आप बैठेंगे आपको स्वतः अनुभव होगा कि यदि आप सही तरीके से बैठ गए तो एक विद्युत प्रवाह आपके शरीर में चलायमान होता है। शरीर के चारों ओर एक आभा मंडल का निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया था, भूकंप आता है तो क्या होता है, धरती हिलती है। धरती हिलने से क्या हो जाता है, दीवारों में क्रेक आ जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, दरार पड़ती है। तो एक बार आप बैठ गए और थोड़ा सा ऐसे हो गए तो समझिए कि आपको बहुत क्षति हो गई, क्योंकि आपका जो पूरा आसन चरमरा गया। आपको तो नहीं लगे, आप तो कहेंगे कभी ऐसे कर लेता हूँ, कभी ऐसे कर लेता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि शुरू में आपको अच्छा लगेगा कि लाभदायक सौदा है, मैं कभी थोड़ा
ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऐसा करके 4 घंटे बैठ रहता हूँ, इससे कोई फायदा नहीं है। जितनी देर बैठना है उतनी ही देर बैठिए, उसके बाद शरीर को पूरा आराम दे दीजिए और तब फिर से बैठिए। हाँ, आँखों को मत खोलिए, ताकि आँखों के खोलते ही शरीर दिख जाएगा, फिर आप धारणा ध्यान में जितना पहुँचे हैं वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस क्षण आप दृढ़ संकल्प से, जैसे मान लें कि आपको, मेरा समय पूरा हो रहा है लेकिन मैं थोड़े कुछ मिनट लेकर के महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। एक व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है, फिर वो सोचता है कि आईएएस करके मैं क्या करूँगा। 6 महीने आईएएस की पढ़ाई करता है, परीक्षा से पहले ही वो सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाता, नहीं छोड़ो अब डॉक्टर बन जाऊँगा। फिर डॉक्टर की पढ़ाई करता है, सोचता है कि इससे अच्छा था कि मैं कि रिसर्च किया होता, साइंटिस्ट बना होता। फिर उसको भी छोड़ दिया तो क्या करेगा, न वो आईएएस बन पाएगा, न डॉक्टर बन पाएगा, न साइंटिस्ट बन पाएगा। तो आप इस तरह से बैठे हैं तो बस उसी में बैठिए, आप ऐसे मत हो जाइए या ऐसे मत करने लगे, क्योंकि आपकी जो आसन की जो शक्ति है एक लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। सुंदर साहब जी, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया हुआ है, आपको कुछ करने के नए प्रैक्टिकल आप मत कीजिए, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। आपकी जगह मैं स्वयं बर्बाद कर चुका हूँ, क्योंकि ये सारी बातें किताबों में लिखी नहीं होती है। और यदि आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो कुछ समय में ही आपको कई घंटे बैठने की सिद्धि मिल जाएगी। आप तरीका सब जानते हैं लेकिन 4 घंटे लगातार बैठ नहीं पाएंगे। इच्छा तो बहुत होती है कि मैं भी परमहंस बन जाऊं, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचने में नींव की जो ईंट होती है वो आसन की सिद्धि होती है। उसके सिद्धि बिना कोई भी जीवन में कुछ नहीं बन सकता है। कितना भी हिमालय में भी जाकर के गुफा में बैठ जाइए, आप 4 घंटा बैठ नहीं सकते, तो हिमालय में जाने से कोई लाभ नहीं है, केवल गुफा में बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। गुफा तो क्या है, प्राकृतिक एक दीवार ही तो है। आप कहीं भी रहिए, यदि सही तरीके से ध्यान की प्रक्रिया का पालन करेंगे तो घर घर में आत्मदर्शी ब्रह्मदर्शी पैदा हो सकते हैं, लेकिन एक सही मार्गदर्शन चाहिए। आज मैं केवल आसन के बारे में बता रहा हूँ, अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, कल मैं जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करूँगा। प्रश्नों को मैं संक्षेप में कहूँगा, ताकि क्योंकि अभी आगे का मार्ग बहुत ज़्यादा मुझे बताना है, परसों तो समापन ही हो जाएगा। ये मेरी गलती है कि कुछ कारणों से मैं एक दिन देर से पहुंचा, कल भी समय कम थोड़ा था। मैं सारी शंकाओं का समाधान करते हुए प्रयास करूंगा कि आगे का जो मार्ग है मैं उसको पूर्ण रूप से बता सकूं, क्योंकि 3 भाग मैंने बताए, आसनस्थ, लक्ष्यस्थ और आत्मस्थ, ये 3 चरण है। आसन सिद्ध हो गया, आपका 40% काम हो गया राज्य के दीदार का। यदि आसन सिद्ध नहीं हुआ तो ऊपर की मंजिल भरभरा करके गिर जाएगी, ना आप ध्यान में पहुंच पाएंगे, ना राज्य का दीदार हो पाएगा।